हेलो एवरीवन, आज जो मैं ये प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये मेरा कनेर का प्लांट है। इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैं शेयर की थी आप लोगों के साथ में, और अब इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। और आज इसमें फ्लावरिंग भी हुई है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इसकी ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इसकी दो ब्रांचेस निकली हैं और इसमें कलियां भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं अभी। और ये सफ़ेद कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और इसकी मिट्टी जब मैं बनाई थी तो उसमें सैंड, वर्मी कंपोस्ट और डीएपी मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार की थी, और उसमें किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल की थी मैं, तो जिससे इसके फ्लावर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। बहुत छोटा सा ही प्लांट है अभी ये, और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप अपने जितने भी फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसमें आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती रहेगी बराबर। और इसको आप फुल सनलाइट में ही हमेशा रखें तो ग्रोथ इसकी अच्छी होती रहेगी। और इसको समय समय पे आप प्रून भी करते रहें, तो जिससे ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी और उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी फिर उसमें कलियाँ भी बनेंगी और फ्लावरिंग भी होगी ज़्यादा। और आप इसमें पानी भरपूर मात्रा में देते रहें, क्योंकि कनेर के प्लांट में पानी ज़्यादा चाहिए होता है कनेर के प्लांट को, और इसलिए आप इसमें पानी कम होने पर फिर इसके फूल पूरे खिलते नहीं हैं, इसलिए इसको पानी चाहिए होता है। और फिर आप इसको 15 दिनों में वर्मी कंपोस्ट और डीएपी इसमें डालते रहें, और बीच बीच में आप इसमें किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल करते रहें। और प्याज के छिलके को भिगो कर अगर आप उसका पानी इसमें डालेंगे तो उससे भी फ्लावरिंग वाले प्लांट में बहुत अच्छे से होती है। किसी भी फ्लावर वाले प्लांट में आप प्याज के छिलके का पानी डाल सकते हैं जिससे फ्लावर अच्छे आएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।